रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ही ठाक होंगे। मैं हूँ सीवर, आप देख रहे हैं आज ही अच्छी ब्लॉग। तो गाइस आज के सीन जो हैं, आज हम जा रहे हैं लाहौर से बाहर, हम जा रहे हैं जी कसूर बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे। और उधर माशाल्लाह क्या यार हंसी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उधर जाते हैं, उधर जाके आपको सारा विजिट कराते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, लोगों को आपने मिस नहीं करना। और चलते हैं उधर, तकरीबन डेढ़ घंटे का सफ़र है। मैं वलीद भाई और वैस भाई जा रहे हैं, वलीद भाई और वैस भाई बाहर खड़े हुए हैं, पहले उनसे जा के मिलते हैं और हम चलते हैं जी उधर कसूर। आ जाए फिर हम काफ़ी थक गए वैसे, क्योंकि तीन जी ने 170 पे आए हैं, मत बज गई यार, भूख भी लगी है। तो हम इधर खाना खाने के लिए रुके हैं पीछे ढाबे पे, तो खाना खा के इतना का सफ़र आ गया यार भाई, यार आधे घंटे का अभी, आधे घंटे का अभी सफ़र पड़ा हुआ। तो इंशाल्लाह रोटी खा के, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हुआ, रोटी खा के कसूर की तरफ निकलते हैं हम। तो भाई झुलके के पास है, हम अभी रोटी हमने खा ली है, तो अब भूख लगेगी तो देखे कहीं और भी अगर अरादा भरा तो खा लेंगे। तो अब जा रहे हैं जी झुलके पे हैं अभी, और अब हम सीधा जाएंगे कसूर। पहले एक दरबार है, नाम मुझे देर में नहीं आ रहा, तो उधर ही जाके दिखाएंगे। फिर हमने जाना बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, चलते हैं उधर ही, उधर जाके मिलते हैं आपको। कसूर के टूल प्लाजे पे हम पहुंच गए हुए हैं, और इस इधर से आगे हमने कसूर के अंदर एंटर हो जाना है ना वैसे। हाँ जी ओके। कसूर के अंदर गाइस हम एंटर हो गए हुए हैं, और अभी भी तकरीबन आधा घंटा लगेगा हमें, नहीं आप 20-25 मिनट लगेगा बस, 20 के मिनट लगेंगे अभी। आहो तो देखते हैं कितनी देर लगती है। तो वैस भाई गए हुए आगे भी, तो वैस भाई तो कह रहे 20-25 मिनट लग रहे हैं, देखते हैं अभी क्या सीन है। 17 किलोमीटर कन्फर्म कर रहे हैं। वो मैं आते पीछे आना वो मामा, मैं क्या कलर लेना है, चल जी पेट्रोल लेना नहीं है, एक तेरा सांस का आ रहे हैं हम, चल कलर आगे चलिए ना, आते चलिए जरा कोल है शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे भी हम पहुंच गए हैं। तो फिलहाल हालत बहुत खराब हो गई है, बैठ बैठ के, और ऊपर से डस्ट मुंह पे पड़ी है। सबसे पहले मुंह हाथ वगैरह धोएंगे, और उसके बाद यार कुछ यार गाइस हालत मेरी बहुत खराब हो गई, हाथ को देखो मैं पूरा वाइट हो गया हूं, हम कट्टो मिट्टी हो गया वो फेस पाउडर लग गया ना। हां अभी सबसे पहले मुंह हाथ धोते हैं ना, थोड़ी हालत दुरुस्त होगी, जरा फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। आ जाओ यार जी नबी के जिंदगी सकर सीढ़ियाँ बहुत हैं, तो इन्होंने इधर स्टे के लिए भी जगह बनाई है, अगर कोई थक गया तो इधर बैठ से। ऊपर हमने बाइक पार्क की है, और वो ऊपर दरबार है। ओ हेलमेट नहीं भारी जितना, ये थोड़ा तेरा भारी है। वलीद भाई गाइस थक गए हैं, वो बैठ गए हुए हैं, और व्यू चेक करें इधर से, वाह जी वाह, व्यू चेक कराओ यार। ऊपर से ज्यादा है भी है। तो आज भाई विजिट करा रहे हैं जी वैस भाई हमें सारा, यहाँ पे काफी थक गए थे।
तो बैठ जाते हैं थोड़ी देर, इधर सांस लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं मजार पे। हाँ यार चेक कर सकते हैं आप। और अभी आप पता नहीं बिलीद पे वैस पे कैसे चलाओ यार, आपका व्यू दिखाऊंगा अच्छे अच्छे वैस भाई कहाँ लेके जा रहे हो? वही मैं पूछने लगा था कि कहाँ लेके जा रहे हो। वाओ तो ये वैस हमें जी ऊपर से व्यू दिखाने आए हैं। ये वाली साइड पे गई सड़क है और वो वाली साइड पे गांव। गाइस मातो बज गई है, व्लॉगिंग ज़रा आसान नहीं है, वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है। ओके वाह जी वाह, पहाड़ी नज़र नहीं आ रही। अरे भाई इधर आ जो, इधर है ये मिट्टी घिसक जाती है। आई नो अरे ना जाने के वहां ना लौट जाएगा तू, से वहां नहीं उठ जाना। वाह वो चेक करो कितना अच्छा मिट्टी हो गया मैं। अच्छा वैस भाई वो उधर जाओ, वो उधर नहीं यार मेरा अभी दिमाग नहीं खराब है, जब होगा मैं चला जाऊंगा। अच्छा इधर से इंसान गिरे तो उसका कुछ नहीं रहेगा। नहीं यार नीचे मिट्टी जैसी इतना कुछ नहीं होगा। आहो बेटा पक्की मिट्टी है, पक्की मिट्टी हां जी कच्ची नहीं है यार। वो पहाड़ी पे ना चले सी नीचे से चले। अच्छा आप दोनों ने आपने वीडियो तो बना लिया, ये आप मेरा आईफोन पकड़ो और मेरा शूट करो इधर। इसकी शूट हमने फोटो में नहीं खिंचवा रहे पीछे तो होना आप को ये मेरी एक तस्वीर। तो जब नीचे जाएंगे ना यहाँ पे जाएंगे ठीक है। हाँ ठीक हो गया। ओके कर काफी मजा आएगा ऊपर जाने। ओके कर। तो गाइस अभी हम तस्वीरें खींच लेंगे, आपने तस्वीरें देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, जरूर देखें। और आईफोन से हम शूट करते हैं, मेरे फोन से वीडियो बनती है मेरी, करें फिर वैसे शूट। हाँ जी आ जाओ यार। तस्वीरें हमने खींची आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, काफी अच्छी सारा आबादी का इलाका है पीछे वाली साइड पे, और ये वाली साइड पे सड़क है, ये मस्जिद है और ये मज़ार है। अभी वजू वगैरह कर लें फिर ये मस्जिद में मज़ार पे जाते हैं, हाजिरी लगवाते हैं, और ये साथ छोटा सा कब्रिस्तान है। तो गाइस वजू वगैरह किया है तो मुंह पे इतनी डस्ट जमी हुई थी ना, मुंह पे इतनी डस्ट जमी हुई थी कि ना अजीब से हाल हुआ था, मुंह धोया तो ये फ्रेश फेस के ऊपर ना इतनी सी ब्लीच सी तह लगी हुई थी, बहुत हल्का हल्का महसूस होने लगा। हाँ मुझे तो लग रहा है सी बहने को दो साल बाद फेस धोया तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत निकल आया है ना। हम तो है ही, हम तो है ही खूबसूरत। चले आ रहे हैं। एक चीज रिवील करूं, एक चीज रिवील करूं, नहीं रहने एक चीज तो रिवील कर दो। एक चीज लगे वलीद भाई यार छल्ला दे अपने लिए या भाभी के लिए? अच्छा सैयद वारिश शाह की बुकें पड़ी हैं, बाबा बुल्ले शाह की,
रोज पाक रहमतुल्लाह अलैह की काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं इधर। ये तो बरक। तो गाइस बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से तो हम मज़ार से हो रहे हैं और अब हम जा रहे हैं जी बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे। वो आपको मिलेगा, उसका ब्लॉग मिलेगा कल, तो आप वो भी देखिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यार इतनी मेहनत करते हैं ना हम आपके लिए, 1.5 से 2 घंटे लगे हैं बाइक पे, यकीन माने हालत ख़राब हो जाती है। सिर्फ लाइक कर दिया करें और कुछ अच्छा सा कमेंट कर दें और मिलते हैं बाबा बुल्ले शाह के लोग में। भाई काफ़ी मेहनत करनी, से ज़्यादा करें लाइक करें सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगला हम लोग आपको जल्दी मिलेगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में उतनी देर तक। अल्लाह हाफिज़।